गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। और आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट, क्या कहना है, क्लियर हैं आप? किस समय क्या हमको बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए कब, कब हमको गुड नून बोलना चाहिए, कब गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए, कब गुड इवनिंग बोलना चाहिए और कब गुड नाइट बोलना चाहिए। बहुत बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। और जब हम कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं तो कहीं कहीं एक एम्बैरेसिंग कंडीशन आती है जहां पे हम एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, अरे गलत तो नहीं बोल दिया। तो टुडे बच्चों, आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर हूं कि हमको किस समय किस तरीके से सैल्यूटेशन देना है, मींस अभिवादन करना है, और कब किस समय किस तरीके की हमको डिपार्टिंग देनी है, मींस विदाई के शब्द यूज करने हैं। आज हम यही सीखने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि गुड मॉर्निंग बोलो या गुड नून बोलो या गुड आफ्टरनून बोलो या गुड इवनिंग बोलो या गुड नाइट बोलो। और ये जानना जरूरी है बच्चों, जरूरी है हमारे लिए ये जानना। लेकिन हम इस सेशन में आगे बढ़ें उससे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक अपने ग्रुप्स में क्या कर दें, आप शेयर कर दें। और हम बढ़ते हैं आगे कि आज हमको एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हर हाल में सीख लेना है ताकि आज के बाद इस प्रकार की गलतियां हम बिल्कुल भी ना करें। बच्चों बिल्कुल भी नहीं करेंगे ना, अगर आज सीख लेंगे तो निश्चित ही आप ये गलतियां आज के बाद नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये सेगमेंट आपके सामने मेरा है, ये आप देख रहे होंगे सैल्यूटेशन एंड डिपार्टिंग, यानी किस तरीके से हमको अभिवादन देना है, कब क्या शब्द यूज करने हैं और कब हमको कौन से डिपार्टिंग के अर्थात विदाई के शब्द यूज करने। बढ़े आगे, शेयर कर दिया सभी बच्चों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सेगमेंट आप देख रहे होंगे आपके सामने है बच्चों, जो आप एक एक शब्द आप सीख सकेंगे कि कहां पर किस तरीके से हमको शब्दों का निर्माण करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और ये देखें आप, आपके सामने ये सामने आ गया आपके सैल्यूटेशंस एंड डिपार्टिंग्स, यानी अभिवादन और विदाई, ठीक है। देखें ध्यान से कि अगर हमको प्रातः काल से यानी सुबह से अगर हमको 11:59 तक यानी 11:59 तक कुछ बोलना है तो हमको क्या बोलना है, क्या बोलना है बच्चों, याद है सभी बच्चों को, हमको बोलना है प्रणाम के सेंस में मॉर्निंग, क्या बोलना है मॉर्निंग। अर्थात अगर हम कहते हैं दादाजी प्रणाम तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अगर हमको बोलना है दादी जी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा, ये बोलेंगे ना। अगर हमको बोलना है पिताजी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग पापा। अगर हमको बोलना है मम्मी जी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग मॉम या गुड मॉर्निंग मम्मा, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो। अगर हमको बोलना हो श्रीमान जी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर। अगर हमको बोलना हो अध्यापक जी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग टीचर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी मीट समवन इन द मॉर्निंग फ्रॉम डॉन टू 11:59, अगर हम भोर से प्रातः काल से दोपहर 11:59 तक यानी दोपहर से पहले 11:59 तक मिलते हैं तो हमको क्या बोलना होगा, गुड मॉर्निंग बोलना है, क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग। लेकिन अगर इसके बाद हमको मिलना हो, जैसे ये सामने आपके आ गया बच्चों दोपहर 12:59 तक, दोपहर 12:59 तक, तब हमको क्या बोलना है, याद आ गया होगा बच्चों आपको, हमको बोलना है चाचा जी नमस्ते, अर्थात गुड नून अंकल, क्या बोलेंगे, गुड नून अंकल। अगर हमको बोलना हो नमस्ते मित्र तो क्या बोलेंगे, गुड नून डियर फ्रेंड। अगर हमको बोलना हो पिताजी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड नून पापा। अगर हमको बोलना हो मम्मी जी प्रणाम तो क्या बोलेंगे, गुड नून मम्मा या मॉम, जो भी आप बोलते हो। अगर हमको बोलना हो प्रिय नमस्ते तो क्या बोलेंगे, गुड नून डॉर्लिंग। अगर हमको बोलना हो चाची जी या मौसी जी या बुआ जी नमस्ते तो क्या बोलेंगे, गुड नून आंटी, ठीक है। यानी दोपहर 12 बजे से अगर हम 1:59 तक मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड नून बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, गुड नून। लेकिन अगर प्रातः काल से 11:59 तक मिलते हैं तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे से 1:59 तक क्या बोलेंगे, गुड नून। लेकिन ये चीज आपको कुछ और सिखाएगी, अगर हमको दोपहर 2 बजे से 4:59 तक मिलना हो तब क्या बोलेंगे हम, तब क्या बोलेंगे बच्चों, गुड आफ्टरनून बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे।
नमस्कार मेरे परम मित्र यानी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड या गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड बोल सकते हैं बच्चों। अगर हम बोला नमस्ते मेरे परम प्रिय, गुड आफ्टरनून माय लव, जैसे आपकी वच्चो पत्नी हो, कोई प्रेमिका हो, उनसे अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून माय लव, यानी वहां पे कुछ भी, डार्लिंग भी यूज कर सकते हैं जो आगे मैंने दिया होगा। नाना जी को बोलना है गुड, मतलब जो भी आप बोला नमस्ते नाना जी, तो आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून नाना जी, गुड आफ्टरनून ग्रैंड पा, ग्रैंड पा भी बोल सकते हैं, ग्रैंड डैड भी बोल सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना हो चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी नमस्ते, तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून अंकल जी या अंकल। और ये देखिए सबसे बढ़िया सेगमेंट है जो शाम 5 बजे से रात 11:59 तक शुरू होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो जब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात को मिलते हैं या किसी से कॉल करते हैं किसी को, तो क्या बोलते हैं? गुड नाइट नहीं बोलिएगा। अगर आप किसी से शाम 5 बजे से रात 11:59 तक मिलते हैं तो आपको क्या बोलना होगा? इवनिंग बोलना होगा। क्या बोलना होगा? इवनिंग। जैसे शुभ संध्या मित्र मीन्स गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, या नमस्कार महोदय, गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग मैडम, नमस्कार प्रियतमा, गुड इवनिंग स्वीट हार्ट, अगर आपकी पत्नी है या कोई बच्चा भी आपका है उसको भी आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, गुड इवनिंग स्वीट हार्ट। अगर आपको चाचा, चाची, मौसी, बुआ वगैरह को बोलना हो, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून आंटी, ऐसे आप बोल सकते हैं। यानी फिर से, अगर आप सुबह प्रातः काल से दोपहर 11:59 तक मिलते हैं, वास्तव में सुबह है वो, तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 बजे से 1:59 तक मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? गुड नून। लेकिन 2 बजे से अगर 4:59 तक मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। और शाम 5 बजे से रात 11:59 तक मिलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? गुड इवनिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? गुड इवनिंग। यही ना, ये मिलने पर है, ध्यान रखिएगा, ये मिलने पर है। लेकिन अगर हम मिलते ना हो, किसी से विदा लेते हो, किसी को विदाई के फ्रेजेस यूज करते हो, तब हमको क्या बोलना होगा? तब क्या बोलना होगा? तब देखिए ये बोलना होगा, शुभ रात्रि मित्र, यानी गुड नाइट डियर फ्रेंड। कब? अगर आप दिन में कभी भी विदा ले रहे हो बच्चों, दिन में कभी भी विदा ले रहे हो, या शाम को विदा ले रहे हो, या रात में विदा ले रहे हो, तो हमेशा क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। अगर आपको पता है कि अब इसके बाद आपकी मुलाकात नहीं होनी है तो आपको क्या बोलना होगा? गुड नाइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी मिल सकते हैं, दिन में आप हैं और आप मिल सकते हैं, तो गुड नाइट बोलने के बजाय गुड डे बोल दें या हैव अ नाइस डे बोल दें वहां पे, ठीक है? अब ये सेंटेंस देख ले, शुभ रात्रि महोदय या शुभ रात्रि महोदया मीन्स गुड नाइट सर या गुड नाइट मैडम, ऐसे बोल सकते हैं। शुभ रात्रि प्रीतरमा, गुड नाइट स्वीट हार्ट, ऐसे बोल सकते हैं आप। और इनफॉर्मल डिपार्टिंग अगर हो बच्चों, इनफॉर्मल डिपार्टिंग यानी अनौपचारिक विदाई हो, जहां पे क्लियर ना हो कि हाँ कब, दिन का कौन सा समय है, तो वहां पे हमको क्या बोलना है? अगर आप अपने मित्रों से बोलें या अपने बराबर वालों से बोलें तो क्या बोलेंगे? सामने देख रहे होंगे, ओके बाय बाय डियर फ्रेंड, ऐसे बोल दें आप। अगर आप बच्चों से बोलें तो क्या बोलें? टाटा बाय बाय, ये यूज करेंगे ना, टाटा बाय बाय। अगर आप किसी अपने प्रिय मित्र से मिल रहे हो, अरे विदा दे रहे हो, तब क्या बोलेंगे? गुड बाय डार्लिंग। वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो उससे क्या बोलेंगे आप? गुड बाय डार्लिंग, इस तरह यूज कर सकते हैं। मीन्स ये वो फ्रेजेस हैं जो आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। क्या आएंगे? बहुत काम आएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां पे हम जानते नहीं किस समय हमको क्या बोलना है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको ये समझाएंगे कि किस समय आपको क्या बोलना है। फिर से आप इनको एक बार देखेंगे और उन्हें तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने वो एम्बैरसिंग कंडीशन नहीं आएगी जब आप शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे किसी को कॉल करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई गलती हो गई, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने गलती नहीं की है। क्योंकि अगर शाम को 5 बजे के बाद कभी भी आप किसी को कॉल करते हैं या आप मिलते हैं तो फिर हमेशा इवनिंग बोलिएगा, गुड इवनिंग बोलिएगा। लेकिन अगर दिन में कभी भी आप किसी को विदा देते हैं तो गुड नाइट बोल सकते हैं, अगर आपको पता आपको नहीं मिलना है अब दिन भर में, और अगर आपको पता है मिल सकते हैं तो गुड डे बोलिएगा या हैव अ नाइस डे बोलिएगा। ये चीजें जरूरी है बच्चों, अगर ये एटिकेट्स आपके पास नहीं रहेंगे
तो आप कहीं ना कहीं समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। आप केवल नमस्ते करके काम नहीं चला सकते हैं। अगर आपको इस मॉडर्न एज में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो आपके पास इस तरीके के फ्रेजेस का होना मस्ट है बच्चों, ठीक है। इन्हें जरूर प्रिपेयर करिएगा और ये चीजें हमेशा आपके काम आएंगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जिनसे समाज का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। उसे हर हाल में इन चीजों का प्रयोग करना ही होगा यदि उसे बेहतर तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक बच्चों, अगले किसी सेगमेंट में फिर आपसे किसी इंपॉर्टेंट चीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमको विदा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय फ्रेंड्स, गुड बाय माय स्टूडेंट्स, थैंक यू।